हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। गाइस, आज की जो एग्जाम हुई है 8 जनवरी 2021 को, इसके फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं और इस वीडियो में हम टॉप 56 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके जीके के और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। एमपी जीके का काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए इस पेपर में। पूरा एनालिसिस कवर करने की कोशिश करेंगे, विद आंसर हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आप इसकी जो पीडीएफ है ये कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और हमारी एप्लीकेशन रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इन जगह पर हम अपने पीडीएफ को शेयर करेंगे तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज हम बता दें वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि जो पीडीएफ रहेगी वो थोड़ा सा लेट हम आपको सेंड करेंगे। क्या है कि कुछ और क्वेश्चन भी हमें पता चलेंगे, इसके अलावा जो डिटेल्ड डिस्कस है क्वेश्चन के बारे में वो भी हम उसमें डाल देंगे पूरी समरी, तो उस हिसाब से आपको पूरा डाटा वहां पर मिल जाएगा और शाम तक उसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फाइनली स्टार्ट करते गए, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में, तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ग्वालियर। हम आपको कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण भागों के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर और पन्ना, इन जिलों में उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी, अगर भाग की पूछे जाए दक्षिणी भागों में और जिलों की पूछे जाए तो ये जिलों के नाम आपसे याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट ये आप समझ सकते हैं। हमें भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, जो बच्चों ने बताए हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, बट ये बात है कि पूरा हमने आपको कवर करवा दिया है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कांस्टेबल के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है और इस टेस्ट सीरीज पर अभी 90% का समथिंग का डिस्काउंट चल रहा है। ओनली 99 रुपीज में यह मिल रही, नहीं परचेस किए तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। और जितने भी क्वेश्चन बन रहे पूरे इसी टेस्ट सीरीज में से बन रहे, हमने आपको एनालिसिस बताया था, एक ही क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, जय विलास महल कहाँ स्थित है। सही जवाब रहेगा ग्वालियर। ग्वालियर में स्थित है और महल वाला वीडियो अभी हमने दिया है, आपको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। सही जवाब रहेगा नोरा देही अभ्यारण्य, जो कि सागर जिले में स्थित है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो यह राला मंडल है जो कि आपका कहां पर है, इंदौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना। त्रिपुरा पूर्ण राज्य बना था 1972 में, 1972 में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धान का कटोरा किसे कहा जाता है। वैसे धान का कटोरा वैसे तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है या मध्य प्रदेश के अंतर्गत धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के अगर फेवर में क्वेश्चन है तो ये बालाघाट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी अगर राज्य पूछे जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ करेक्ट रहेगा। एक क्वेश्चन आपका लालबाग पैलेस से पूछा गया, लालबाग पैलेस कहाँ स्थित है। सही जवाब रहेगा इसका, इंदौर में स्थित है लालबाग पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहर महल किसने बनवाया था। गोहर महल बनवाया था कुदसिया बेगम ने, जो कि भोपाल में स्थित है आपका गोहर महल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। चंबल नदी का जो उद्गम हुआ है जानापाव पहाड़ी से हुआ है, जो कि मऊ के अंतर्गत आती है, मऊ और इंदौर जिला ये लगता है आपका, यहीं से जानापाव का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वें नंबर का, मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा कहते हैं नरसिंहपुर जिले को, नरसिंहपुर जिला चीनी का कटोरा बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए एक चीनी का जो कटोरा है ये क्यूबा को बोला जाता है, आप सभी को बताइए, और अगर मध्य प्रदेश इसमें पूछा गया है तो नरसिंहपुर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काबरा की गुफाएं या काबरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। सही जवाब रहेगा इसका राजगढ़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है आपकी काबरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, हीरे की खान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा पन्ना। पन्ना एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश का जिसमें हीरा का खनन किया जाता है, हीरा उत्पादित होता है, तो ये आपका हीरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी। सही जवाब रहेगा मल्हार राव होलकर, इनके द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट का उत्पादन कहाँ पर होता है। करेक्ट आंसर रहेगा मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्लेट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था, 1757 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की थी। सही जवाब रहेगा विष्णु श्रीधर वाकनकर, विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन इसको क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा
भारत भवन भोपाल में स्थित है भोपाल, और स्थापना कब की गई थी, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी भारत भवन की, जो कि आपके भोपाल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहस्त्रभाहु मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपका ग्वालियर में स्थित है, और कुछ बच्चे बता रहे थे कि सहस्त्रभाहु मंदिर आया था, सहस्त्रभाहु नहीं आया था, तो ये दोनों एक ही है सहस्त्रभाहु, और ये पहले इसको सहस्त्रभाहु नाम से जाना जाता, बट यहाँ पर एक प्रथा प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है कि सास बहु दोनों इस मंदिर की पूजा करती थी, उन्हीं के नाम पर सास बहु मंदिर इसका नाम कर दिया, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है आईपीएल 2008 किसने जीता था, आईपीएल 2008 जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था, और आपका नवीनतम जो जीता गया है अभी हाल ही में जो हुआ था आईपीएल, ये चेन्नई ने जीता है, तो स्पेशली ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक बार किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने सबसे अधिक बार आईपीएल को जीता है। नेक्स्ट है भारत में कोयले का सर्वाधिक खनन कहाँ पर होता है, तो ये झारखंड हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर कोयले का सर्वाधिक खनन होता है, और इसमें कुछ छत्तीसगढ़ भी बता रहे थे, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न था उस हिसाब से छत्तीसगढ़ झारखंड जो है करेक्ट आंसर था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा हिसाब से था कि झारखंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आप अनुमान लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी, और कब दी गई थी, 18 अप्रैल को 1959 को ये दी गई थी इनको, तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 26 जनवरी करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एरन अभिलेख किस जिले में स्थित है, एरन जो अभिलेख स्थित है ये सागर जिला, यहां से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सती प्रथा के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे वो यहीं से मिले थे एरन अभिलेख से, जो कि आपका सागर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है, सुंदरवन डेल्टा जो है ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर जो डेल्टा है यहीं पर बना हुआ है सुंदरवन डेल्टा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी ये 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी 1984 में ये हुआ था, और इस टाइम पर सीएम कौन थे मध्य प्रदेश के, तो अर्जुन सिंह थे इस टाइम पर सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार कोच को दिया जाता है जिनको हम प्रशिक्षक भी बोल सकते हैं, तो ये ट्रेनर को विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नमन ओझा ने संन्यास कब लिया, नमन ओझा के द्वारा फरवरी 2021 में संन्यास लिया गया था, स्पेशली आप याद रखिएगा नमन ओझा जो कि क्रिकेटर है भारत के, भारतीय टीम में ये खेले हैं, तो इन्होंने फरवरी 2021 में संन्यास की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है मुनि श्री तरुण सागर का जन्म कहाँ हुआ था, मुनि श्री तरुण सागर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के दमोह जिले में, और इनका भी निधन हो चुका है, तो हो सकता है इसीलिए इसका क्वेश्चन आपसे बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई थी, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये 2012 में हुई थी, कुछ लोग बता रहे थे कि राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आप अब देख लीजिएगा थोड़ा सा उस हिसाब से, हम आपको जो है पूरी पीडीएफ जो मिलेगी आपको पूरी डिटेल के साथ में मिलेगी, तो उसमें हम क्वेश्चन आपके कवर करवा देंगे एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है, सहडोल के देवलोन नामक स्थान पर यह बनी हुई है बाण सागर परियोजना, तो ये सोन नदी पर आपकी बनी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सही जवाब रहेगा मुंबई में, लेकिन मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, और जिस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी उस टाइम पर कोलकाता इसका मुख्यालय था, बट बाद में इसको चेंज करके मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये अभी वर्तमान में स्थित है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूतों का मेला कहाँ लगता है, भूतों का मेला बैतूल जिले में लगता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भूतों का मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, सही जवाब रहेगा सिंगरौली जिला, सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगर सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछे जाए तो ये आपका अलीराजपुर रहेगा, और अगर आपसे पूछे जाए कि उत्तरी जिला कौन सा है तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा मुरैना जिला रहेगा, और अगर आपसे दक्षिणी पूछे जाए तो ये आपका बुरहानपुर जिला रहेगा, ऐसे आप जिलों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर दयाल शर्मा किस नंबर के राष्ट्रपति थे, सही जवाब रहेगा 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था भोपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है गोहद का किला कहाँ स्थित है, गोहद का किला भिंड जिले में स्थित है, भिंड गोहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वें नंबर का, मध्य प्रदेश का पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थित है, सही जवाब रहेगा दमोह में, संग्रामपुर यहाँ पर है दमोह में, यहीं पर पुरातात्विक पार्क स्थित है। अब देखिए आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एमपी कॉन्स्टेबल के एग्जाम में ओनली 20 क्वेश्चन आते थे, 20 नंबर के जीके आता था, इसमें करंट अफेयर भी आ जाता था, नेशनल
जीके भी और एमपी का जीके भी आ जाता था। तो ये इतने ज्यादा क्वेश्चन आप करवा रहे हैं तो ये कहाँ से आप ये लेकर आए हैं? देखिए अभी जो है जब तक हमने देखा है, अभी से एनालिसिस हमने जब तक किया है, तो हमें कुल 40 क्वेश्चन इस वीडियो में मिले हैं जीके के, एमपी जीके और बाकी करंट अफेयर के सबसे कम क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं और एमपी जीके में सर्वाधिक क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो ये जो क्वेश्चन बताए सभी लोगों ने ही हमें बताए हैं और अब तक जहां तक हमने एनालिसिस किया है एग्जाम का, तो अगर इसकी दृष्टि से हम देखें तो पूरी चीजें एक एक जेन्युइन क्वेश्चन है पूरे आपके, और ये जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं। हो सकता है कि सभी सिप्टों के या सभी सेंटरों के अलग अलग पेपर हो, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है, तो वो थोड़ा फिर बाद में हम कवर करेंगे उस चीज को, उसके बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीजें हुई है। बट ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं पूरे 100% जेन्युइन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हम वो बाद में आपको बता देंगे कि क्या क्या इश्यूज हुआ है, ये इतने ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से निकल कर आए हैं। क्लियर है? तो 37वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मिंटो हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? मिंटो हॉल का नया नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखा गया है और मध्य प्रदेश में जितने भी नाम चेंज हुए हैं उनका पूरा वीडियो हमने दे दिया है, आप एमपी स्पेशल करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कीजिएगा, उसका आपको वो वीडियो मिल जाएगा और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम सेज कहाँ स्थित है? विशेष आर्थिक जोन इसको बोला जाता है और ये इंदौर में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैहर किस पर्वत पर बसा हुआ है? मैहर एक यहाँ पर मैहर माता का मंदिर है जो कि सतना जिले में आता है और ये मैहर जो बसा हुआ है त्रिकुटा पहाड़ी पर बसा हुआ है सतना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधों का मेला कहाँ लगता है? गधों का मेला चित्रकूट में लगता है, स्पेशली आप याद रखिएगा, कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। गाइज यहाँ पर एमपी जीके जीके और करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे आपसे वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। देखिए साइंस की यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है तो उसको हम एज ए क्रॉस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है साइंस को अब हम कवर करेंगे। साइंस पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया, दूषित जल में कौन सा रोग होता है? दूषित जल में टाइफाइड पीलिया रोग होता है, स्पेशली आप याद रखिएगा, दूषित जल में टाइफाइड पीलिया रोग होता है दूषित जल से, और ये टाइफाइड ज्यादातर इसका क्वेश्चन में पूछे जाता है, हो सकता है आपको टाइफाइड एग्जाम में देखने को मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्लोयम का कार्य क्या है? भोजन का संवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है फ्लोयम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परजीवी पौधा कौन सा है इनमें से? तो चार ऑप्शन आपको मिले हुए थे, उसमें से अमरबेल जो है ये आपका परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपको बतानी थी, तो छनन एक प्रक्रिया है जिससे जल को शुद्ध किया जाता है या शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया है छनन, और आपको ऑप्शन कौन कौन से मिले थे उस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग किसके कारण होता है? सही जवाब रहेगा इसका विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मरीचिका कैसे होता है? मरीचिका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ये मृग मरीचिका जो बोला जाता है वो जो कि आपका राजस्थान वगैरह वाले जो मरुस्थल होता है उसमें ये देखने को मिलती है मृग मरीचिका, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक ये होता है, स्पेशली आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख और प्यास का केंद्र है, भूख और प्यास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चलने फिरने में कौन सी पेशी जिम्मेदार होती है? सही जवाब रहेगा इसका ऐच्छिक पेशी, ये चलने फिरने में जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मलेरिया से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, वो प्रश्न तो एग्जैक्ट याद नहीं रहा है बट याद रखिएगा जितनी भी डिजीज है यानी जितने भी रोग है मानव रोग उनको सभी को आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था? ये इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि को किसमें मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पादप में कौन सा ऊतक लचीलापन देता है? तो पादप में जो ऊतक लचीलापन देता है इसका नाम है कैलेन काइमा, ध्यान रखिएगा कॉलेन काइमा इसको बोला जाता है। हमारा 12वां नंबर का क्वेश्चन है पादप में कौन सा ऊतक लचीलापन देता है? तो कोलेन काइमा इसको हम कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही जवाब रहेगा साइटो, इसको साइटो बोलते हैं, साइटो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अम्ल में मैलिक अम्ल, माफ कीजिएगा, मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, सेब आपका जो होता है इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र आपको बताना है, सही जवाब रहेगा C3H8 इसका होता है, प्रोपेन का ये आणविक सूत्र है
और याद रखिएगा, देखिए इसकी जो पीडीएफ है हम और भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो भी हम इसमें डाल देंगे, साथ ही जैसे कि प्रोपेन वगैरह है तो इसका और भी सूत्र होते हैं वगैरह, इनके बारे में और भी जानकारी, तो उन सभी के डिटेल के साथ में ये पीडीएफ हम आपको इवनिंग तक प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम और हमारी एप्लीकेशन पर, दोनों आप ज्वाइन जाके कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसको लगा लीजिएगा, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं पूरे इसी टेस्ट सीरीज में भी हम आपको करवा चुके हैं। क्लियर है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए वंदे मातरम।